नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। सकल हिंदू समाज हित रक्षक मंच के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के साथ उत्पीड़न बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर दिया ज्ञापन। सकल हिंदू समाज हित रक्षक मंच के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के साथ उत्पीड़न और बलात्कार जैसी घटनाओं तथा जमीन पर कब्जा करने के संबंध में नई कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि अपने ऊपर हो रहे इन अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध स्थानीय महिलाओं बालिकाओं के द्वारा दिनांक 8/2/24 को अपनी जान जोखिम में डालकर जुलूस निकालकर तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडों द्वारा किए जा रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जिला प्रशासन और शासन स्तर पर शिकायत की गई। माननीय महामहिम महोदय जी उक्त जुलूस में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं बालिकाओं के आक्रोश के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल की महामहिम राज्यपाल सी वी आनंद बोस द्वारा उस क्षेत्र का भ्रमण दौरा किया। उनके द्वारा वक्तव्य किया गया कि मैंने वहां पर जो देखा वह भयानक एवं भयावह है, जिसे मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैंने वहां पर ऐसी बातें सुनी देखी जिसे मुझे देखना और सुनना नहीं चाहिए। वहां की स्थिति सभ्य समाज के लिए शर्मनाक होकर कलंकित भी है। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। इस मौके पर विकास अन्नोटिया अध्यक्ष अनिता पंकज राजौरे अजय श्रीवास्तव नरेंद्र कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। आज आपने किस संदर्भ में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है? पूरे देश में जिस अमानवीय घटना से हाहाकार मचा हुआ है, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली स्थान पर हिंदू समाज के अनुसूचित जाति जनजाति बंधुओं की जो मातृशक्ति हैं उनके साथ में जो बर्बर उत्पीड़न उनका हुआ है, उनकी ज़मीनों पर जो शाहजहां शेख जो एक दल है वहां पर टीएमसी उसका नेता कहलाता है, उसके द्वारा जबरन जो है वहां पर वसूली और उनका जो हमारे जनजाति के बंधु हैं उनके घर द्वारों पर जो है जबरन कब्जा किया गया है और वर्षों से ये उत्पीड़न हो रहा है। और दुर्भाग्य का विषय ये है कि वहाँ की जो सरकार है जिसको न्याय करना चाहिए वही उन अन्यायी शाहजहां शेख और उसके गुंडों के साथ में जो है संरक्षण दे रही है और उसको बढ़ावा दे रही है। और आज स्थिति ये हो गई है कि वहाँ का जो जन समुदाय है वो जीने के लिए भी जो है मजबूर हो चुका है और उन्होंने जो आंदोलन करके और वहाँ पर व्यवस्था के विरोध में थानों में FIR कटाने के लिए प्रयास किया तो उसमें भी उन्हें असफलता लगी है। तो उस के विरोध में कि शासन सत्ता अपने ही जो नागरिक हैं उनके साथ में जो घोर अत्याचार कर रही है और उसके द्वारा पोषित जो शाहजहां शेख है वो अपने दबदबे अपने प्रभाव अपने बाहुबल और अपने जो है जिसे कहते हैं कि जो है अमानवीय अत्याचारों से उस क्षेत्र को पूरे आतंकित कर रखा है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो, उसकी जो भी संरक्षण हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो। इस निमित्त संपूर्ण हिंदू समाज आज जो है हमारे अपने हिंदू समाज के जो भाई बहन वहां पर निवासरत हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है उन पर उत्पीड़न बंद हो और उन पर उत्पीड़न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो, इस निमित्त हम सब जो है आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और ये ज्ञापन हमने आदरणीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से उन तक पहुंचाया है।